अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? बस इधर भी शुक्र है अल्लाह ताला का, सब खैर खैरियत है। बच्चे आज जल्दी सो गए, थके थे, तो मैंने कहा चलो आपसे कुछ बचपन की पुरानी यादें शेयर करते हैं। तो वो क्या है, गर्मियों का मौसम है, तो बस वो बचपन की कुछ यादें आ गई आगे दिमाग में। गर्मियों के मौसम में छत पे सोने का तो अपना ही मज़ा है, तो बस छत पे जब सोते थे खुले आसमान के नीचे, और उसका मज़ा कुछ अपना ही था। वो बंदा आपसे वो नहीं शेयर नहीं कर सकता, वो उसके आपको सबको पता होगा, जो जो बंदे सोए हैं छतों ऊपर। तो जब कभी बारिश आनी आती थी तो ऐसे होता था कि जैसे बस सज्जे खब्बे से वो चादर कच्छ में मारते थे, सराहना कच्छ में मारते थे, और ऐसे गायब होते थे जैसे गधे के सर से सींग। तो बस वो कितना अच्छा मज़ेदार होता था, सज्जे खब्बे के वो भी उतर गया, वो भी उतर गया है, वो रंग में भंग जट डाल जाते थे। लेकिन जब मौसम साफ, अक्सर साफ ही होता था, उधर गर्मी ज़्यादा होती थी, हवस थी, तो वो रात को तारे देखने, तो वो बस कुछ और ही सोचों में गुम हो जाना कि ये अल्लाह ताला ने क्या पैदा किया और किस लिए किया है और ये कितनी दूरी पे है, क्या है। बस एक अजीब सी सोच आती थी दिमाग में, वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो शायद आपके भी आती हो बचपन की यादें कुछ। तो मैं इधर वो पुरानी दुकान थी जो शॉप आपसे शेयर की है ना, तो वो दुकान पे मैं गया, तो शॉप ही है बस। वो क्या होता है कि जापानी जो चीज़ खरीदते हैं कुछ अर्सा यूज़ की तो वो चेंज कर ली, और कई दफ़ा तो होता है कि ये अपार्ट वगैरह में रहते हो, तो वो जब मकान चेंज किया तो कहते हैं यार इसकी क्या ज़रूरत है, वो चेंज करें। तो चीज़ें इनकी साफ़ सुथरी होती है, इधर को डस्ट वगैरह इतनी नहीं, ना ही ख़राब करते हैं बच्चे। तो ये उधर पुरानी दुकान पे फ्री में ही तकरीबन दे देते हैं, तो उधर वो थोड़े से कीमत में बेच देते अगले बंदे को। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा उधर सामान, कैमरे, लेंस, ऑडियो, वीडियो, हर चीज़ का उधर होता है। तो मैं उस दिन गया तो मुझे वो एक दूरबीन नज़र आ गई ना, सितारे देखने वाली, टेलीस्कोप। तो मैंने कहा यार ये तो बचपन में हम तारे देखते थे, चलो इधर देखने की कोशिश करते हैं। तो वो लेके आया मैं, और जापान का मेज तो जो है वो काफ़ी महंगा 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 लोगों के जेन में है, लेकिन ऐसा भी कोई चक्कर नहीं, आप थोड़ा सा घूमे फिरें और आपको बड़ी अच्छी और बेहतरीन चीज़ बड़ी सस्ती और शायद पाकिस्तान इंडिया से भी सस्ती मिल जाएगी। तो ये मैं लेके आया था दूरबीन, ये टेलीस्कोप। तो आप ये देखें, ये सिर्फ ओनली 1000 की है, 1000 की, और 1000 से इसमें ये स्टैंड है, ये लगी है, ये छोटी है, बड़ी है, और इसमें ये सारे लेंस, ये सारे जो लेंस है इसके, ये आप देखें, ये इधर बस इसके कवर से इसको ऐसे चेंज किया, तो ये इस तरह का बस है इधर। तो ये बस चेंज करके तो इसको आपने वो जो देखना है उसकी दूरी नज़दीकी में आपने कर लेना है इसको, ये लेंस चेंज करते जाएं और जितना मर्जी दूर देखते जाएं। ये देखें, तो ये खिड़की है मेरे सामने, तो ये इसका बस सिर्फ पर्दा पीछे करना है, पर्दा पीछे किया और बाहर रात है और मौसम साफ हो तो तारे इधर से बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसको सेट करने का तरीका क्या है कि ये छोटी सी आपने पहले उसको लुक कर लेना है, और जब वो मुकम्मल कर ले तो करके सेटिंग करके इसको आपने इधर ही रोक देना, तो फिर आपने इधर से देख लेना है। और यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो लाखों करोड़ों तारे नज़र आते हैं, और ये मैंने इसे देखे, टाइम काफ़ी लगा, लेकिन क्या है कि वो जैसे छोटे कैंचे पाकिस्तान इंडिया में बच्चे खेलते हैं गलियों में मोहल्लों में, छोटे छोटे इस तरह नज़र आ रहे थे। वो चांद देखा और चांद इतना बड़ा नज़र आया कि वो इसमें तकरीबन आ नहीं रहा था, और ऐसे
घुमा घुमा के उसको देखना पड़ा। तो वो जापानी दोस्त से मैंने वो लोकेशन का पता करके, जुपिटर वो जिसके रिंग है वो देख के तो बस सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें पैदा की हैं। और इतना मज़ा आया कि वो उसी को देखने के लिए बस ऐसे है कि जैसे ये इसकी कीमत पूरी। तो आपको वो कैमरे में मैं लेने की कोशिश करूंगा, अगर वो कैमरे में आ गया तो फिर आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। बस ये इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से, कुछ इतना नहीं है, इसको आपने करना है उसको जूम करके, तो उसके वो जो हैं सारे इसमें ही आपने लेंस चेंज करके, वो जो करीबी सितारे हैं उनको छोटे इधर से देख लिया, बाहर जो दूर हैं बड़े हैं वो ये है, तो इस तरह से आपने देखना। तो आपको और इतने प्यारे और क्लियर नज़र आए, छोटे छोटे से जिस्म में, बहुत छोटे 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 बस, लेकिन उनकी गुलाई वैसे इंसान आँख से देखे तो उसके कोने वो जैसे स्टार नज़र आता, तारा तारा तारे की तरह नज़र आता, लेकिन इससे देखने से वो छोटे छोटे गोल, और उनकी रंगत भी एक दूसरे से डिफरेंट, कोई ऑरेंज कलर का है, कोई थोड़ा बहुत शार्प है, कोई थोड़ा सा डिम है, इस तरह से बस। वो बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया, और मैं कोशिश करूँगा कि कैमरे की आँख से अगर तस्वीर उतरती है तो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो इजाज़त दे, सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि आप बहुत ज़्यादा महंगा ना समझें जापान को, इतना महंगा भी नहीं है, 1000 में पाकिस्तान क्या आता है, तो ये 1000 इसकी कीमत है। कीमत मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर बंदे का एक तजस्सुस होता है यार, पता नहीं कितने की कितने कितने, ये सादे सादा सा बस है ना, और एक स्टार आप देखेंगे तो इसकी कीमत पूरी। तो बस इतना सही है। तो ये जब थोड़ा सा हनेरा, इधर कमरे की लाइट बुझा के खिड़की खोल के तो आप बस बैठ के बस देखें, तो सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आई कैमरे में तो आपको दिखाएंगे। खुदा हाफज, टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी मुसीबत को ख़त्म करे। तो इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और सब्सक्राइब कर।